हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी के युवा नेता फहद आजमी जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने जो यहाँ पर रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा था, आप मानखुर शिवाजी नगर की जनता और पूरे भारत की जनता को किस प्रकार से आप शुभेच्छा देना चाहेंगे? देखिए, तो पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हुदा होटल की सारी कमेटियों का और हिंदू मुसलमान की जो इनकी कमेटी है, ये आज से नहीं, बहुत टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं और ये पैगाम आज से नहीं, आज़ादी से पहले से है कि हिंदू मुसलमान का जो एक पैगाम मस्जिदों से और अफ्तार पार्टियों से निकला है और हमेशा यही पैगाम हम लोग चाहेंगे देश के आने वाले टाइम पे भी यही माहौल बना रहना चाहिए। भाईचारा का जो हमारा ये पैगाम है कि मुझे एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, यही पैगाम होना चाहिए। और बहुत बहुत मैं ईद की भी शुभकामनाएँ दूंगा अभी से कि बाद में मिलना जुलना होता है नहीं होता है, तो मैं सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल फहद भाई, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है और तमाम भीम सैनिकों के लिए शुभेच्छा कैसे, किस प्रकार से देंगे? देखिए, मैं तमाम भीम सैनिकों को मैं यही कहूँगा कि अमन और शांति के साथ में बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाए। वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने से वो बोलते ना कि मुसलमानों को भी मनाना चाहिए, ये हमारे मुसलमान भाइयों को मनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही एक ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, जो कानून लिखे कि हमको आज बोलने की आज़ादी है, हमको आज अपना हक जताने की, कोई गलत काम के विरोध के लिए आज हमें जो ताकत हमें दी है हिंदू मुसलमान को, तब तमाम मुसलमान भाइयों को और जय भीम वाले हों या वो हिंदू हों, कोई भी एक सेकुलर का जो पैगाम दिए हैं वो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिए हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे अमन और शांति के साथ में उनका त्यौहार मनाएं, मतलब एक त्यौहार के रूप में हम सभी को मनाना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी के युवा नेता इरफान खान जी हैं। आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच के तरफ से जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, हम जानना चाहेंगे इरफान खान जी, आप मानखुर शिवाजी नगर की जनता को इफ्तार पार्टी के द्वारा जो मैसेज जाता है हिंदू मुस्लिम मंच को, आप क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हुदायन ग्रुप के ग्रुप और फहमीद भाई को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हर साल ये इसी तरह से अफ्तारी का प्रोग्राम कराते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता मंच की सारी टीम आती है और हमारे गोंडी शिवाजी नगर के समाज जितने भी समाज सेवक हैं वो आते हैं और फहमीद भाई इसी तरह से हर साल अफ्तारी की दावत रखते हैं। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे साथ जो आयोजक हैं वो भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आप मानखुर शिवाजी नगर की जनता को रोजा इफ्तार पार्टी रखे आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच की ओर से किस तरह से शुभेच्छा देना चाहेंगे? यहाँ पर मतलब हर साल फहमीद कुरैशी जो यहाँ पर हुदा ग्रुप का एक प्रोग्राम होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, इसमें पूरी हिंदू मुस्लिम एकता मंच की भी टीम यहाँ पर है और मैं सोचता हूँ और सभी लोग सोचते हैं कि हमेशा ऐसे होते रहे ये प्रोग्राम, ये हमारी दुआएँ हैं। नगर सेवक जी, कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब अंबेडकर का जयंती है, आप तमाम भीम सैनिकों को किस प्रकार से शुभेच्छा देंगे? मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से अमन अमान से इस प्रोग्राम को मनाया जाए और हमको बहुत खुशी है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश में इतना अच्छा कानून लाया है जिसकी वजह से आज जितने भी देशवासी है आज अपने घर पर सुकून चैन से है, वो सब बाबा साहब जी की देन है। वो हिंदू मुस्लिम एकता मंच जो है वो बहुत शौक से मनाया जाता है और इसमें हर हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिल के अपना काम करते हैं और एक दूसरे के हर त्यौहार में और मिल के जो भी सुख दुख है आपस में बांटते हैं लोग और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आगे तक ये चलते रहे, हमेशा चलते रहे। आज इस जगह पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच के फहमीद भाई अध्यक्ष जो है उनके माध्यम से इफ्तार पार्टी रखा गया था। शिवाजी नगर में हर त्यौहार हिंदू मुस्लिम सब त्यौहार अच्छे ढंग से अच्छे रंग से मनाया जाता है। आज भी फहमीद भाई ने मुंबई अध्यक्ष है, उन्होंने जो रखा था वो प्रोग्राम के लिए सब हाजिर थे, सब हिंदू मुस्लिम लोग हाजिर थे। मैं फहमीद भाई को शिवाजी नगर के तरफ से शुभेच्छा देना चाहता हूँ। कल बाबा साहब अंबेडकर जयंती है और पूरे भारत के भीम सैनिकों को आप किस तरह से शुभेच्छा देंगे बाबा साहब अंबेडकर जयंती का? कल डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब का जयंती है, वो जयंती के लिए पूरा देश में प्रोग्राम जयंती का उत्सव मनाया जाता है। हमारा शिवाजी नगर चेंबूर ट्रांबे ये विधानसभा के अंदर भारी जोर से आज रात से 12 बजे से ही उत्सव अच्छी तरह से मनाया जाता है।
मैं वो माध्यम से सभी लोगों को जयंती का शुभेच्छा देना चाहता हूँ। थैंक। आज हुदा ग्रुप की तरफ से अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और यहाँ पर आए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लोग आए और सभी धर्म के लोग आए और कार्यक्रम को सक्सेस किया। और ये रोजा अफ्तार पार्टी हर साल हुदा ग्रुप की तरफ से रखी जाती है और ये सिर्फ भाईचारे का पैगाम देने के लिए रखी जाती है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हम देशवासी है भारतवासी है सब एक है और एकता की मिसाल के तौर पे ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और ये सभी लोग आए सभी धर्म के लोग आए और प्रोग्राम को सक्सेस किया, इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, तमाम भीम सैनिकों को आप किस तरह से शुभेच्छा देंगे? मैं सारे भीम सैनिकों को कल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है उनकी मेरी तरफ से तहे दिल से सबको शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के लिए जो काम किया है वो कोई कर नहीं सकता, इसकी कोई वो मतलब मिसाल नहीं है कि भाई जो उन्होंने काम किया है वो शायद ही कोई करे, जिसकी वजह से आज पूरा देश एकजुट है, टिका हुआ है, एक दूसरे के पूरे देश को इसके कानून को के ऊपर विश्वास है। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हर आदमी गर्व से कहता है कि मेरे लिए अम्बेडकर साहब का कानून है, मेरे लिए काफ़ी। तो उसके लिए हम उनकी कोई मिसाल नहीं दे सकते। उनके जन्मदिन पर मैं सभी भीम सैनिकों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं स्टार न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ तक आए। आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच हमारे मुंबई प्रेसिडेंट फहमीद कुरैशी जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये जो अफ्तार पार्टी रखी गई थी ये हम एक पैगाम देना चाहते थे कि इस देश में अमन और भाईचारा हमेशा कायम रहे, बना रहे। क्योंकि रोज़ा रखने का सही मतलब ये होता है कि हम लोगों के दुख में काम आए, जो गरीब और ज़रूरतमंद और मिस्कीन लोग हैं उन्हें तो हम हमेशा ही मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रमज़ान का एक ऐसा महीना होता है कि हर घर में हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हर घर के हर फर्द को अफ्तार करने में कमी ना हो। लेकिन जब ऐसी अफ्तार पार्टी रखी जाती है तो ये हम खुशियाँ बांटते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी हम अपनी खुशियों को बांटते हैं, अपने मुसलमान भाइयों के साथ बांटते हैं, हम मिलकर बैठते हैं और वो मिलकर बैठने में एक अमन का पैगाम जाता है, देश में एक शांति का मैसेज जाता है कि लोगों में कितना भाईचारा है। और ये मिलने से एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जागती है और इसी बहाने से हम एक दूसरे का दुख सुख जान पाते हैं। ये मौके होते हैं और उसमें रमज़ान का ये मौका है। साथ में कल 14 अप्रैल है, हमारे संविधान की जिन्होंने रचना की है ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। तो मैं देशवासियों को जयंती की भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आने वाली रमज़ान ईद की भी दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं देश के लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे हिंदू मुस्लिम एकता मंच बना है इसका पैगाम ही है कि भाईचारा। तो इस देश में हमेशा अमन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, हम सब हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश में रहें और एक दूसरे के दुख सुख में ऐसे ही काम आते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद ताई। हमारे साथ शिवसेना के कद्दावर नेता भाऊ कोरगावकर जी हैं और बहुत दिनों के बाद मैं उनसे मिला हूँ, आज हमारे साथ आए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आज आप हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी में आपने यहाँ रोजा इफ्तार पार्टी में आए हैं और तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए किस तरह से शुभेच्छा देना चाहेंगे? सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। फरीद भाई कुरैशी जो तहे दिल से हिंदू और मुस्लिम भाइयों का एक दुआ है और वो हमेशा ये चाहते हैं कि किसी भी धर्म कोई धर्म में ना बुरा ना ये सब भाईचारा से रहेंगे, ये सोचने वाले हमारे उपशाखा प्रमुख और उनके बच्चे अभी फहीम कुरैशी उनका भाई, ये भी उनके मतलब जो पारंपरिक ये है वही उनका ये चल रहा है। इन्होंने जैसा फरीद भाई करते हैं वैसा ही भाईचारा सब लोगों के साथ वो करते हैं। आज मैं यहाँ इफ्तार पार्टी के लिए आने के बाद मुझे एक आनंद हमेशा होता है कि फहीम चाहे दिवाली हो चाहे और कुछ हो,
ये सभी तो त्यौहार में वो ये हमेशा अपना आनंद बांट लेता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, यहाँ की जो सिस्टम है बहुत डिसिप्लिन में, और रोज़ा इफ्तार पार्टी में एक खासियत इनकी ऐसी है कि इन्होंने हर लोगों को आनंद देने का कोशिश किया। बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। कल के अंबेडकर जयंती के बारे में तो क्या कहना, सब हिंदुस्तानी लोग अंबेडकर जयंती भी बहुत धूम से मना लेते हैं, और ये दोनों त्यौहार का मैं सबको बधाई देता हूँ।